नगर नियोजन आवास तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दधोल में आयोजित दो दिवसीय बाल विज्ञान सम्मेलन के समापन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों द्वारा प्रस्तुत विज्ञान मॉडल और नवाचार की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में वैज्ञानिक सोच और सृजनात्मक को प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण है कि बच्चों की प्रतिभा को ऐसे मंच मिले ताकि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदेश का उज्ज्वल भविष्य बना सके। खास करके उनका माइंड और बाद में अगर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने करियर बनाएं तो माइंड की ओरिएंटेशन जो है वो हमेशा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में लगती है। कोई समस्या है समाज में उसको उसका समाधान क्या हो उसकी तरफ जो है दिमाग पूरी तरह फोकस करता है। तो आप बच्चों को से भी मैं कहूँगा कि जो बच्चे साइंस से सब्जेक्ट से डरते हैं इसमें घबराने की बात नहीं, इसको सिर्फ आप एंजॉय करें। साइंस में नंबर लेना ज़्यादा आसान होता है, मैथ में ज़्यादा जितने मैथमेटिक्स में नंबर मिल सकते हैं उतने शायद ह्यूमैनिटीज़ के किसी सब्जेक्ट में नहीं मिलेंगे, लिटरेचर में नहीं मिलेंगे। तो जो बच्चे हाई स्कोर हाई मार्क्स लेना चाहते हैं उनके लिए साइंस एक अच्छा ऑप्शन है। और दूसरा मैं कहना चाहूँ तो अभी तक होता आया लेकिन आज हम उससे कई कदम आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना शुरू कर गए। उसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इसके लिए हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है लेकिन अब हमारे दिमाग की भी सब्स्टिट्यूट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे आ गया है। आपने चिट्ठी लिखनी है तो आपको सिर्फ कमांड देनी आनी चाहिए, अपने जो AI टूल्स हैं ChatGPT है आपके WhatsApp पे तो मीटा AI भी है, आप उसको कमांड दें कि आपको क्या चाहिए वो आपको प्रेजेंट कर देंगे। यहाँ तक कि आपकी जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है अगर ये भी कमांड दें कि इसमें किस किस तरह की आइटम्स होने चाहिए क्या क्या मॉडल हो सकते हैं तो आपको एक बड़ी लंबी लिस्ट आ जाएगी और उसमें से आप सिलेक्ट कर लें। मेरे एक दोस्त हैं वो कह रहे थे कि बच्चों ने सोचा और फिर उसके ऊपर जो प्रोबेबल सॉल्यूशन उनको लगे उसके ऊपर आधारित उन्होंने अपने जो है मॉडल यहाँ पे बना के प्रेजेंट किए। तो उन बच्चों को मैं सबको बधाई देता हूँ जिन्होंने इस तरह से के प्रयास किए हैं और आपसे कहूँगा कि इस पर फर्दर आप एक्सप्लोर करते रहें। आजकल इंटरनेट का जमाना है, इसमें बहुत चीज़ें आसान भी हुई हैं। जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल ऐसे जो हमारे बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसके ऊपर मिलती है जिसमें हम अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं, रिसर्च करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। तो इसके ऊपर आप इसको बेस बनाकर और इसको इनोवेट करें और फर्दर इसको अपग्रेड करते हुए इसमें अपनी रुचि को और ज़्यादा बढ़ाएं।